बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक की रहमत और फजल करम के साथ। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग व्यूअर्स। अभी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी ठंड है। ये अभी तकरीबन सुबह के 9:30 हो रहे हैं, ये आप व्यू देख सकते हैं। मौसम काफ़ी ठंडा है और जो मैंने सुबह टेम्परेचर चेक किया था तो तकरीबन 7 दर्जे हरारत था, 7 था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये मेरे ख्याल से कराची में फ़र्स्ट टाइम हुआ है और तकरीबन रिकॉर्ड टूट गया मेरे ख्याल से, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अभी हम बहरिया टाउन के अंदर हैं और अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊंगा उस्मानिया की तरफ और आपको थोड़ा व्यू दिखाऊंगा। उस्मानिया में काफ़ी चेंजेस आ चुकी हैं और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अभी सर्दी है लेकिन माशाल्लाह धूप। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने साथ सामान लेके आया हुआ हूँ ब्लॉगिंग के लिए और हालात थोड़े डेंजरस हैं कराची के, तो इस हिसाब से चीज़ें अपनी मैंने रखी हैं। ये आप देख सकते हैं मोबाइल है, ये आप देख सकते हैं वॉलेट भी है और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख ली हैं सेफली। तो चलिए बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी कटिंग के आपको लेके चलता हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे और आपको साथ साथ दिखाता हूँ बगैर किसी कट किए हुए कोई क्लिप। और गाड़ी स्टार्ट करने का अल्लाह करे खैरियत से हो जाए, सर्दियों का मौसम में गाड़ी स्टार्ट के एक बार बैटरी बोर्ड डाउन हो जाती है। माशाल्लाह हो गई है भाई गाड़ी स्टार्ट। अब इसको मैं तकरीबन आप ये समझ लें थोड़ी देर स्टार्ट रखूँगा, तो उससे ये होता है कि थोड़ी इसकी जो इंजन की स्टार्टिंग में रवानगी होती है उसका ज़रा पिकअप सही रह जाता है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंशाल्लाह अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और अच्छा, कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि आपकी वीडियोज़ पर जो है वो ब्लॉगिंग काफ़ी स्लो होती है। एक्चुअली मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों तक इंफॉर्मेशन अच्छी पहुंचा सकूं और डिटेल से पहुंचा सकूं। एडिट करने में तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं एडिट करके आपको दे दूं, फास्ट ब्लॉगिंग भी एडिट हो जाती है वो भी मैं आपको करके दे दूं। लेकिन एक अंदर से दिल ये चाहता है, सुकून ये चाहता है कि आप लोग को जो है ना अच्छी एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँ। बाकी अगर आप मतलब फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप जो है वो यूट्यूब से जो है आगे पीछे कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई ऐसे इंफॉर्मेशन होती है तो वो सबसे इजी रह जाता है। लेकिन जब यूट्यूब पे कोई मतलब ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप ज़रा छोटी चढ़ाएँ ये चढ़ाएँ, हाँ शॉर्ट्स वीडियोज़ जो अभी जो नहीं आई हैं उनका है कि आप जिससे बोलते हैं ज़रा एक मिनट की वीडियो बना सकते हैं तो वो एक अलग बात आ जाती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वीडियोज होती हैं उसमें जिसे बोलते हैं डिटेल से आपको इंफॉर्मेशन दूँ वो काफ़ी अच्छी रह जाती है। तो मेरा तो यही एक ख्वाहिश होती है कि आप लोग तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूँ और ताकि आप लोग को अच्छी चीज़ जो है दे सकें। तो चलिए साथ साथ मेरे लीजिए और सफ़र को भी देखिए, आपको और भी चीज़ें नहीं दिखाऊँगा। बहुत जल्दी इंशाल्लाह इंटरनेशनल व्लॉगिंग भी होगी और खाने पीने की रेसिपीज भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक दफा फिर वही सब्सक्राइब लाइक और शेयर ये मत करना भूलिएगा। अभी मैं इधर गाड़ी भी चला रहा हूँ और आपको भी देख रहा हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अभी जो है मैं आपको ये थोड़ा बहरिया टाउन के बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। ये है, आप ये कह सकते हैं कि कमांडर स्कूल वाली गली है और यहाँ पे क्या अपडेट्स हुई हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँगा। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी सारी जो है नई दुकानें खुल गई हैं और इनकी जो टाइमिंग है ये आप साथ साथ मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अभी एक्चुअली मैंने जो है अपना वो कैमरा ज़रा फिक्स कर दिया है तो एक तरह से ये आप समझ लें कि रोड ब्लॉगिंग हो रही है। रोड पे जो भी चीज़ें हैं वो आप देख भी सकते हैं, मतलब थोड़ी सी सफाई का ख्याल नहीं किया गया है यहाँ पर, लेकिन आपको पता ये क्या कह सकते हैं कि करने को तो कर सकते हैं लेकिन ये खुद ही नहीं करते हैं, वल्ला आलम इनका दिल नहीं चाहता है क्यों नहीं करते। बाकी आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पहले से काफ़ी जो है वो अच्छी कंस्ट्रक्शन एक तरीके से मतलब आबादी हो गई है, लोगों ने काफ़ी सारी जो है ज़रूरतें मामूल की जो
अवेलेबिलिटी उनकी कर दी है। ख़ास तौर पे ये आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे सब्जी के, खाने पीने के इंस्टॉल और ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी जो चीज़ें लगी हुई हैं। और प्लस यहाँ पर माशाल्लाह एक जामे मस्जिद भी है, तो यहाँ पर जो है आप नमाज की अदायगी कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अभी जो है हम ये उस्मानिया के पास हैं। ये आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाता रहूँगा जो अपडेट हुई हैं यहाँ पर, क्योंकि डेली व्लॉगिंग है, यहाँ पर आपको अपडेट चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखें माशाल्लाह यहाँ काफ़ी अच्छा नया सेटअप बन गया इवन वाले का, और यहाँ दुकानों में काफ़ी चेंजेस आई हैं और ठेले वालों को भी काफ़ी इजाफा हो चुका है यहाँ पर। अभी ये उस्मानिया रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं सुबह का मंजर है, और यहाँ पर ये दुकान है काफ़ी, जिसे बोलते हैं कि, लेकिन बस ये रोड जो है ना, रोड काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से जो है ना, मतलब ट्रैफिक को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। बाकी यहाँ पर जो है ज़रूरत है, ज़िंदगी की तमाम चीज़ें आपको मिली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर माशाल्लाह डेवलपमेंट हो रही है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड की वजह से जो है वो लोग यहाँ पर कम आते हैं, क्योंकि गाड़ी का इशू हो जाता है। और यहाँ जो है ये बस स्टॉप है जो हैदराबाद के लिए बसें जाती हैं। फ्रूट्स एरिया है, पंचर की भी दुकान है, माशाल्लाह मस्जिद भी है इधर बनी हुई। ये कि लोगों ने अच्छा कर दिया, लगा दिया कि यहाँ पर जो है काफ़ी, मतलब गाड़ियाँ फंस जाती हैं, ये जो आने वाले का रास्ता अलग है और जाने वाले का रास्ता अलग है। और इसके साथ जो है ये आप देख सकते हैं पिकअप्स वगैरह खड़ी हैं, ये फ्रूट वाला है। यहाँ पर अगर आपने कुछ सामान वगैरह अरेंजमेंट कराना हो तो यहाँ पर पिकअप आप ले सकते हैं। बाकी सिक्योरिटी है बहरिया की माशाल्लाह, ये यहाँ पर इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। ये रोड जो है ये जाता है सीधा बहरिया के अंदर, जो कि आपके साथ मैं भी शेयर कर रहा हूँ। और ये जो है यहाँ पर इन लोगों ने टूल लगाया हुआ है छोटा सा, ताकि जो वहाँ से आए तो उसको जो है वो अंदर आने में, जो मोटरवे से आ रहे हैं वो वहाँ से वो रोड पकड़ सकते हैं। चाहे तो इस रोड से भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग को ये रोड पता है। अच्छा ये कट जो है ना, ये कट यहाँ से स्टार्ट होता है बहरिया का मेन गेट, ठीक है। ये माशाल्लाह आप चेक करें, यहाँ से जो है बहरिया स्टार्ट हो गया, ये अंदर मस्जिद है माशाल्लाह। अच्छा ये बहरिया की मस्जिद नहीं है, ये दूसरी मस्जिद है, खान साहब इसे बोल सकते हैं, या कोई और मस्जिद है। मुझे एक्चुअली इसका कंफर्म नाम पता नहीं चल रहा अभी कौन सी मस्जिद है ये, लेकिन ये माशाल्लाह या नमाज वगैरह लोग पढ़ते हैं सुकून से, आराम से। ये जैसे ही मतलब बहरिया का रोड स्टार्ट होता है ना, तो एकदम से गाड़ी लेवल पे आ जाती है, सुकून से चलती है माशाल्लाह। रोड इतने अच्छे हैं यहाँ के, एक जिसे बोलते हैं कि फुल लग्जरी टाइप फील होता है कोई सी भी गाड़ी में आप चाहे बैठे हों। अच्छा ये यहाँ पर जो है ये भी मेन गेट आ गया बहरी, ये देखें आप, ये यहाँ पर इसका स्पीड ब्रेकर है और सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है, ये आप चेक कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बंद करूँगा, ये भी आप देख सकते हैं मेन गेट माशाल्लाह कितना अच्छा है। सफाई का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। और अभी जो सुनने में आ रहा है कि एक ई कार्ड बनेगा यहाँ पर, जो कि उस कार्ड का भी स्पेसिफिक नाम नहीं है, जो कि मतलब जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उन्हीं को दिया जाएगा। ये अभी माशाल्लाह सिग्नल के पास हम लोग आ गए। आपने देखी होगी काफ़ी सारी जगह मैंने आपको जो है दिखाई बहरिया के गेट से लेके यहाँ सिग्नल तक के। एक्चुअली अभी जो सही आबादी है टावर्स तक ही हुई हुई है, फिर बाकी दूसरी भी हुई है विलास तक, लेकिन इंशाल्लाह उसका चक्कर भी जैसे रहेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और ये अपने सिक्योरिटी भाई भी यहाँ पर होते हैं, अच्छी बात है, ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वरना यहाँ पर जो है एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि आपको पता है माशाल्लाह हमारी जो भाई लोग हैं वो मतलब सिग्नल पे उनको रुकने की आदत कम होती है,
तो उनको रोकने के लिए स्पेशल सिग्नल और एक बंदा, ये दोनों चीज़ें चाहिए उनको। वो सिग्नल पे तो रुकते ही नहीं, तो जो भाई साहब जो दूसरे सिक्योरिटी वाले होते हैं तो उनके खौफ से ये लोग ज़रा रुक जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये आप माशाल्लाह देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी नए तरीके से अपडेट और कंस्ट्रक्शन हुई हुई है कामों की, और काफ़ी जो है कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स वगैरह भी बन गई हैं नई, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला यहाँ तरक्की हो रही है। और देखें, चोरी और डकैती का बहुत ज़्यादा आता है सुनने में कि बहरिया के अंदर होती, नो डाउट चोरी हर जगह होती है, डकैती हर जगह होती है, लेकिन ये है कि बस अपनी हिफाजत भी हमें खुद करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन नो डाउट एक सोशल जिसे बोलते हैं उस पर एक प्लेटफॉर्म पे बताना भी जिसे बोलते हैं अच्छी बात है ताकि लोग अपडेट रहे, लेकिन ये है कि बनिस्बत कराची के बहुत कम वारदातें होती हैं, ऐसी बात नहीं है लेकिन बनिस्बत कराची के, और वारदात से मुराद ये है कि बहुत हाई लेवल पे प्लानिंग करके जिसे बोलते हैं ना, अगर कोई काम हो तो होता है। यूँ तो आप देख लें दुबई, शारजा, कनाडा, यूके, यूएसए, हर जगह होती हैं चोरियाँ, लेकिन उस तरह नहीं होती कि भाई आप रोड पे चल रहे हैं तो भाई बंदा आया गन पॉइंट पे आपसे ये ले गया वो ले गया, भाई वो बेचारे बैठे हुए रोड पे चल रहे हैं, एकदम से आ गया कोई, चलो भाई निकालो जो भी सामान है, उस चीज़ से आप माशाल्लाह काफ़ी महफूज रह जाते हैं। ये चीज़ है, बाकी उम्मीद करता हूँ ये आपको ब्लॉग में अच्छा लगा होगा।